पहली दफा मुझे किसी ने ना सामने गाली दी है, मतलब लाइव गाली। पीछे वैसे बहुत से लोग गालियां निकालते हैं लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन ये लाइव गाली मुझे दिल पे लगी है यार। हाँ देर ये दो नान ये लगा ले खाएगा है। हाँ दोनों लेट आए हैं, दोनों लेट लेना है। क्या पहना आलम रोड से लेके जा। अच्छा तू पैसे ला मेरे ठीक है, फिर मैं वेखांगा फिर दसांगा। तू 30-40 हज़ार की पेंट शर्ट थोड़ी ना आती है अबू, जितने की भी आएगी कल आपको साथ पकड़ कर मैं खरीदने के लिए ले चलूंगा। जे वो मनु पसंद आए, पसंद ही पसंद आएगी, टेंशन ना ले, पसंद आएगी। डन हो गया, कल अब्बा जान को पैंट शर्ट हम लोग पहना रहे हैं और स्टाइल स्टूल इनका किसी सैलून से बनवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका, एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करता हूँ। यार क्या तमाशा बनाया हुआ भाई तूने, अभी तक लगता है वॉशरूम में ही घुसा हुआ है ये बंदा, अजीब आदमी है यार तू। सारे तेरा वेट कर रहे हैं भाई, आ जा नीचे भाई। सेक्सी बॉय बनने में टाइम लगता है, सेक्सी बॉय बनने में टाइम लगता है। ओ, 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 तूने ये नाग स्टाइल पर है, चेक कर बाल पीछे से ऐसे है और आगे जाके ऐसे बन जाते हैं। अच्छे नहीं लग रहे ब्रो, बहुत गुजे लग रहे हैं। चल आ यार निकले, सारे वेट कर रहे हैं तेरा, आ जा। हाँ भाई बस नहीं है, निकल रहे हैं घर से, बस निकल रहे हैं। सॉरी यार लेट हो गई, ब्रार की वजह से लेट हुए हैं। आ रहा है ब्रार नीचे। यार शर्ट बदल हो गया यार, इस शर्ट को क्या है, बहुत बुरी क्या लग रही है, मसला बहुत बुरी लग रही है। शर्ट को कोई मसला है, अच्छी है ना, हीरो लग रहा है। हाँ तो तुम क्यों कह रही हो बदल लो, बदल लो यार, एक दफा मान लिया करो कि मुझे बार बार कहना पड़ेगा कि बदल लो बदल लो। क्यों मानू, बताओ तो सही कि शर्ट में मसला आ गया, फिर ही बदलूंगा ना। तू कमर तो ज्यादा सोना लग रहा है ना। जेलस जेलस कुकर, बताओ ना क्यों बदलू शर्ट। नहीं मेरी भी बिस्ती कराओ, अपने भी करो। नहीं मैं नहीं करवाता बिस्ती, मुझे बताओ कि क्यों शर्ट को चेंज करूं। चुप करो यार, अम्मी नमाज पढ़ रहे हैं, मुझे लगा शायद वैसे ही बैठे हैं ऐसे। चलिए शर्ट वाकई अच्छी नहीं लग रही, चेंज कर लो। हैं उठे ते तन्नू मैं हीरो कह छड़या, मैं क्या मेरा भरा फिर तल्ले। अच्छा ते अपो रवे ना भरा, अच्छी नहीं लग रही, चेंज कर ले यार। चेंज क्यों करूं बताओ तो सही, या जहां तू जा रहा है या जिस मकसद के लिए जा रहा है ना, ठीक है तो चेंज कर ले, मेनू हुण अगे गल नहीं आ रही। अच्छा मैं ना कौन सा भी ऐसा मकसद है, चल यार मैं चेंज कर ही लेता हूँ, क्योंकि इसने अंदर तो कह दिया था कि नहीं अच्छा लग रहा है भाई, आखिर मुझे नहीं, उठे क्या कर ले, सही नहीं लग रही क्या, उठे क्या, मैं 10 बंदे ने मैंने आखे अच्छी लग रही है, तेरे कहने कर रहे हैं, चल तेरी गल मान ला। किसे कहूं, कवल को? हां ऐसे ही कहूंगा और क्या। कोई शर्ट दे दो यार मुझे, मैं चेंज करूं। क्यों 10 बंदों ने कहा है कि ठीक लग रही है शर्ट, लेकिन तुम्हारे कहने पर चेंज कर रहा हूं। 10 बंदों ने कहा है ना। हां ना 10 बंदों ने कहा ठीक है, तुमने कहा नहीं अच्छी, इसलिए मैंने कहा यार मेरी बीवी कह रही है अच्छी नहीं है तो फिर चेंज कर लेता हूं। बीवी कितनी माननी होती है ना, मैं तेनु ओथे मना कीता, मैं कहा अन्ना जबरदस्त लगदा, मैं कहा मैं हाँ। लेकिन मैंने कहा नहीं यार जो मेरी बीवी ने कह दिया मैं वो करूँगा। ऐसे कुछ नहीं है, बीवी की नहीं तुम सुनते, ठीक है तुम साजी तो मसला लेके आयो, पहले तो काश भाई इसको बोल ले दो। हाँ साजी कमेंट से पूछ लो किसी भी बंदे। हाँ अच्छा लग रहा है, तू कर रहे ना चेंज करेगा, पूछ ली फिर 10 वहाँ पे कोई दूसरी शर्ट दे दो यार, दे दो देनी मुझे, बुला यार तेरे कहने पे चेंज कर रहा हूँ, मुझे 24 घंटे के लिए बुलाना है। क्यों, अगर बुलाना है तो मुझे ठीक है, बल्कि नहीं बुलाना वैसे भी ना बुलाओ, मैं भी कौन सा। अच्छा चल ठीक है, देना शर्ट तो देना, और शर्ट तो दो यार, तेरे कहने पर शर्ट चेंज करो, ऊपर से नखरे भी आ रही हो। तुमने खंडू डॉन के कहने पे की है, अपने बड़े भाई के कहने पे की है, अपनी अम्मा के कहने पे की है। नहीं ना तूने कहा है ना कि अच्छी है, मैं तो शर्ट बहुत अभी देख रहा हूं, वाह हाथ लग रही है ना, मैं तो वो अभी देख रहा हूं। नहीं ईमानदारी वाली बात बता, कभी कभी ऐसे कपड़े पहनता है कसम में, अजीब चिंगड़ लगता है यार, इधर आ क्या देखो, कपड़े पहने सोने लग रहे, बिल्कुल सोने नहीं लग रहे ब्रो, कलेजी रंग की तूने पैंट पहन ली, ऊपर ब्लैक शर्ट पहनी है, कोई आपस में मैच ही नहीं रखता। किस तरह के मैंने, तू बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार, कोई शर्ट दो यार कमल, अब ज्यादा बहस किए बिना चेंज कर लेता हूँ। थैंक यू, ये वाली जाएगी इस पैंट के साथ, पहन के देखो इससे तो बेहतर जाएगी। अच्छा वो यार चेक करो ये ठीक रहेगी, अबे बता ना, तेरी पाई यार मैं रेडी शेडी हो गया, ड्रामे बाजी ना कर। चलो मैं ये चेंज कर लूंगा, देखो जी शर्ट ठीक है ना, मैं वैसे भी तुम्हें बुला रही हूँ, मुझे नहीं पता ठीक है यार, एक छोटे से मसले पर पूरा दिन मुंह बना कर रखना है क्या, पूरा दिन
निकास देख ना पहनी भी ये सही लग रही है ना साल ना कोई सही रही सी सीधी गल है अबे ना ड्रामा बाजी कर यार इसकी ड्रामे बाजी नहीं बंद होती चलो और निकले बाकी सारे पहुंच चुके हैं हम लोग ही लेट हैं यार मेरी बात सुन लो जो आखिरी आने वाला बंदा होगा ना मतलब जो बंदा सबसे आखिर में आएगा उससे डेर करवाया जाएगा इसलिए कोशिश करो कि पहले पहुंच जाओ और अगर आप सबसे लेट पहुंचोगे तो फिर तो मैं भी डेर पूरा करूंगा किसका डेर लोगे मामा अभी चार सारे मिलके ही डेर देंगे ना वो ऐसे चार बंदे हैं चारों ने करना पड़ना है तो चारों करेंगे चारों नहीं करेंगे सिर्फ ड्राइवर करेगा ड्राइवर नहीं करेगा सारे करेंगे ओनली ड्राइवर विल डू डेयर मतलब जो ड्राइव कर रहा है वो ड्राइवर ही होगा ना मुझे लगता है सब आ चुके हैं हम सबसे लेट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं तो जी पहुंच गया हूं आई होप सो कि मैं सबसे पहले पहुंचा हूं मैं सबसे पहले पहुंचा हूं ना मैं सबसे पहले पहुंचा हूं कि नहीं हनान भाई आप लेट हुए कौन पहले आया मैं आपको कह रहा था कि आज हम पहुंच रहे टाइम पे आप टाइम पे नहीं पहुंचे मैं लेकिन दोस्तों मैं तो सबसे पहले आया अस्सलाम वालेकुम हनान भाई क्या हाल है पहले आया हूँ ना अभी सलमान और रजब लोग नहीं ना आए आप लेट हो गए सलमान और रजब आया टाइम दिया था और इस वक्त 7 बजने वाले नहीं बाकी आए हैं कि नहीं आप लेकिन पहले आ गए भाई जी भाई घर में कितना सुकून है इस वक्त बिल्कुल शोर शराबा शुरू करवाऊं सुकून है तो रहने दे नहीं नहीं शोर से रहा कैसे करेंगे कैसे एक मिनट जरा रुके आप देखिएगा हाथ फड़ ले नान भाई वो कह रहे हैं दौड़ जा तेनू भी कट लेना पहली दफ़ा मुझे किसी ने ना सामने गाली दी है मतलब लाइव गाली पीछे वैसे बहुत से लोग गालियाँ निकालते हैं लेकिन मुझे टेंशन नहीं है लेकिन ये लाइव गाली मुझे दिल पे लगी है यार और वो भी अपने ही एक भाई की वजह से है हनान भाई ये मुस्तफ़ा है हनान भाई का छोटा भाई है मुस्तफ़ा है मुस्तफ़ा हमारे साथ गया था बाकू जब हम लोग गए थे सारे इकट्ठे दोस्त मिलकर तब ना मुस्तफ़ा ने ना फटी हुई पैंट पहनी हुई थी मतलब फटी हुई पैंट जैसे ये मैंने पहनी हुई है ना ये ऐसे ही इसने पहनी हुई थी लेकिन मैंने गर्मी में पहनी है वहाँ बाकू में बहुत ज्यादा ठंड थी ठंड के लिहाज से मैंने इसको थोड़ा सा कहा था कि मुस्तफा जितनी ज्यादा ठंड है ना तुम्हें फटी पैंट नहीं पहननी चाहिए थी बेटा जी आपकी टांगे भी जम जाएंगी अच्छा जी वो पार्ट मेरा व्लॉग में लग गया अब वो ये क्या था ये हनान भाई खोलिएगा जरा लॉक मैं सुनाऊं जरा अपनी आर्मी को ताकि वो आर्मी तो उस लड़की के पीछे पड़े ना जाके जो गालियां दे रही है हमें लाइव ये जरा सुनना यार कितनी इंसल्ट की है इसने मेरी सुना दूं ये व्लॉग हमारी मेड देख रही थी तो मैंने देखा अच्छा मेड देख रही थी तो इस बाजी ने देखा वैसे मेड का मुंह भी नहीं देखा 6 महीने लेकिन मेड व्लॉग देख रही थी तो मैंने वो व्लॉग देख लिया चलो आगे आओ मैं इनके व्लॉग्स नहीं देखती इस व्लॉग में जो आपकी जींस का मजाक बना रही हैं वो डोंट यू नो कि कितने लोग देख रहे होते हैं सब देखने के बाद मैं ट्रॉमाटाइज हो गई ओह माय गॉड ऐसे कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और डिसरिस्पेक्ट कर रहा है यार आप क्यों गए थे इनके साथ क्यों गए थे डिस्गस्टिंग ब्रो क्यों गए थे यार आप एक काम करो सारे पिक्चर अभी अभी आगे भी आ गए गए अभी तो वो लीटर वाली बात है हां 1 लीटर वाली हां पता नहीं कितने लीटर की बात करती है आप क्यों गए थे इनके साथ ओह डिस्गस्टिंग ओह लिटरली मुझे बहुत बुरा लगा मुझे भी आपके साथ ऐसे करे मैं नहीं देख सकती ओह माय गॉड मुस्तफा फिर जाऊंगा आपके साथ इसके जो लीटर वाले ली मेरी इंसल्ट किया उसका जवाब तूने दिया था मैंने क्या कहा था तूने भाई है मेरे उन्होंने मजाक में असल में उसका भी कसूर नहीं है उसकी तेरे साथ सिंपैथी इतनी अटैच है लड़की की कि उसने नहीं देखा कि कौन सा बंदा किस तरह की बात कर रहा है या मजाक कर रहा है या फन कर रहा है उसने कहा बस मैं मुस्तफा के हक में बोल डालती हूँ मुस्तफा वो मीरा की जैसी लगती है मुझे नहीं लगता आपकी किसी डिसरिस्पेक्ट कर सकती है डिस्गस्टिंग Bro, disgusting. Oh, my God. My phone.
गिर गया, वो मेरा फोन गिर गया, मेरा फोन गिर गया। अबे तुझे मैंने क्या कहा, मेरा फोन गिर गया था। असल में ना यार मेरा कल प्लान बना था कि अपने बैठने वाले दोस्तों को बुलाता हूँ और बारबेक्यू पार्टी अरेंज करता हूँ, लेकिन जब भी मैंने अपने घर के गैराज की तरफ चाटी मारी ना, फिर मैंने कहा कि यार नहीं यार, कुछ बारबेक्यू का सेटअप अच्छा नहीं लग पाएगा। फिर मैंने हनान भाई को कॉल की, हनान भाई आपके घर का गैराज माशाल्लाह बड़ा है तो वहाँ पर हम लोग बारबेक्यू के अरेंजमेंट करें। हनान भाई ने कहा हाँ यार कर ले, कहते कब का, मैंने कहा कल का ही करें, कहते चले ठीक है, वैसे तो शॉर्ट नोटिस है तो शॉर्ट नोटिस पर जो जो चीज अरेंज हो पाएगी वो मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप अरेंजमेंट कर ले, हम लोग अमेरिकन सिस्टम कर लेंगे। हनान भाई ने कहा भाई अमेरिकन सिस्टम वाला कोई सीन नहीं है, अब मेरे पर जिम्मेदारी फेंकी है तो मेरी तरफ से तुम लोगों ने पार्टी खानी है। लेकिन स्टिल हमारी बहस चल रही है कि नहीं जी अमेरिकन सिस्टम ही होगा। खैर बाकी सारे हमारे दोस्तों तो आ चुके हैं, जैसे कि सलमान भाई जो कि अभी नमाज पढ़ रहे हैं, इबरार और निकाश भाई जो कि नमाज पढ़ चुके हैं, और इंतजार है हमारे रजब भट्ट साहब का जो कि सबसे आखिर पर आ रहे हैं और उन्हीं से आज हमने डेर भी करवाने हैं और अपना मजेदार किस्म का बारबेक्यू भी अभी लगना शुरू हो चुका है। बारबेक्यू के साथ यहाँ तंदूर शंदूर भी लगवाया गया ताकि ताजे ताजे नान छान हम लोग खा सकें और मजेदार किस्म के खाने से लुत्फ उठा सकें। और इसके साथ आज एक स्पेशल डिश भी है, ईरानियन डिश है। अच्छा वो आपको खिलानी है। अच्छा और उस व्यूअर्स को भी एक नई रेसिपी उसके साथ मिलेगी। अच्छा मैंने शायद ईरानी डिश कभी नहीं खाई, वो कौन सी डिश है? आप भूल जाएंगे सब कुछ, वो कबाबों के साथ है। अच्छा आप राइस ऊपर प्याज टमाटर अच्छा कच्चा अंडा अच्छा बटर हुए सारी चीजें उसको मिक्सर एक उसका बनके बनता है, वो आपको खिलानी है। ठीक है जी मजा आएगा फिर तो। खाना अपना लग चुका है और हम लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया और हमारे जनाब भट्ट साहब अभी तक नहीं पहुंचे, अभी मैंने उसको कॉल किया कि कहाँ रह गया, कहता मैं बस 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मैंने कहा यार खाना लग गया, खाना भी ठंडा हो जाएगा और तू अभी भी कह रहा है कि मैं 20 मिनट में पहुंचूंगा। कबाब यार चेक करता हूँ, दिखने में बहुत मजेदार लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए नान भाई कबाब बहुत मजेदार है, थैंक यू, जबरदस्त है अंकल जी, बहुत मजेदार है। जुल्कर भाई ने आना सुबह जाके खुद की मले हैं। हां खुद जाके सारा करवा के। अच्छा नहीं अच्छा अंकल बहुत मजेदार है यार, सूफ कह के सो गए, उठे 2 बजे, अच्छा उठे 8 बजे। मेरे पाजान भी ऐसे गिले करते हैं कि यार तुम काम कोई नहीं करते, घर बैठ के तजिए करते रहने हो। आइंदा के बाद नहीं तुम लोगों को मैं छेड़ूंगा, ठीक है ना, मुझे अभी सुकून से बोल लेने दो बस, आइंदा के बाद मेरे पियो की तोबा। अच्छा ये है हनान भाई वो आपके वाली ईरानी डिश कैसी है भाई? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। ये क्या है, बटर? बटर है ये, आपने जो आपको टमाटर डाला इसमें भी कच्चा अंडा भी डलता है। अच्छा आपने बहुत एक्सट्रीम पे जाने, वो नहीं डाला अभी, वो नहीं डाला, वो नहीं डाला। पंजीरानी तुमना दी प्लेट है। नहीं ज्यादा महंगी होगी बेटा, 25 लाख की होगी। क्यों ईरान, क्यों ईरान, मैं कह रहा मैं बोलने लगा था क्यों ईरान भाई। बात सुनो, हम सब ने खाना तो खा लिया लेकिन रजब आएगा ना तो उसको कहेंगे हम तो तेरा वेट कर रहे थे कुछ भी नहीं खाया, ठीक है ना? झूठ झूठ मत बोलो। नहीं कोई मसला है, शुगर लगाएंगे, ठीक है ना? सबने कहना है खाना ठंडा हो गया और खाया भी हम लोगों ने। एक चमचा है जो बेलचे हर चली जा रहा है। वे बट्टा आ गया, रख दो जल्दी जल्दी से सारी चीजें, ये रख दो, तू भी रख दे भाई, वो रख जाके उधर रख दे ना भाई, रख दे आगे आगे, और रख दे इधर रख। कहता खाना नहीं छोड़ूंगा, चुपके खा लूंगा। आते ही खाना पकड़ लिया इस बंदे ने, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं इसका। खाना ठंडा हो गया लेकिन खाया नहीं है भाई, तेरे लिए किया यार ये क्या, तूने आते ही पकड़ लिया, ऐसे लोग भाई ऐसे लोग घंटे दो मिनट। हां चलो अब शुरू करो यार, भाई एक मिनट यार इधर कर यार, व्लॉगर मेरा भाई है, सब व्लॉग बाबा, तीन व्लॉग कंटिन्यू देखे मैंने इसके। अच्छा अल्लाह कसम, क्या वाला भी एजल वाला भी, हां फिर अब्बाजी ने गाड़ी से निकाल दिया, ठीक है, और पलस्तीन वाला भी। हां कैसी के वाले मार रहा है वो, यार तो कुटन लग गई, जबरदस्त खच्चे मार रहा है, खच्चे गुड। लो यार खाना खाएं, बस एक मिनट लगे ना, मेरे साथ प्लेट भर के खाना खाना तूने, ठीक है आ जा, अरे अब तूने वेट किया मेरा, तुझे भूख होगी पूरी पूरी, आ जा शाबाश। नहीं तू खा, मैं तेरा मुंह खोल कर तन्नू खाऊंगा, मैं तेरे साथ जॉइनिंग करूंगा ना भाई, मैं तुम दस ना बेटा यार, मैं तेरे साथ जॉइनिंग करूंगा, इधर पीछे खा चुका है, खा चुका है ए उल्टा भाई, मेरे नाल खा, ये सब कुछ खा चुके हैं ये सब लोग, ये चेक करो हमारी तो मीठा खाने की बारी आ चुकी है, कैसा धोखा दिया तुझे जनाब भट्ट साहब के ढेर का टाइम आ चुका है और हम सब ने मिलकर भट्ट साहब को ढेर दिया है कि भट्ट साहब ने लगाना है हमारे लिए एक करारा सा खस्ता सा इस आग जलते हुए तंदूर के अंदर नान।
मुझे तूने डेर नहीं देना भाई। अच्छा ना लगा सारे खाएंगे नहीं हाँ डेर ये दो नान ये लगा ले खाएगा है दोनों लेट आए हैं ऊपर उठा ले सही कह रहा हूँ चुको ना उठाए वो ना उठाओ भाई कह रहे ना उठाओ समझा नान उंगलां कर रही दो तरफा कर चल 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 भाई ओके शाबाश 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 हूं थोड़ा नु फैन ये मेरा भाई तंदूर वाला लंबा करो ओए रोटी नहीं खा रहे हैं पिचके खत्म हो गए चलो 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 मदरा नान ला दे मदरा नान नान कम और बन ज्यादा लग रहा है इतना मोटा चल भाई चल 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 चलो हां तंदूर चल गया गरम है भाई गरम है तंदूर चलो पानी नहीं पानी लगा फिर चिपकेगा पानी कहां से लाऊंगा पानी दो पानी ऐसे ही चिपक जाएगा यार भाई फिर उसकी हेल्प कर देना थोड़ी सी हेल्प करवाता है ताकि भाई मुझे बताओ क्या करना छोड़ दे बात जय थोड़ी तेरी हेल्प भाई करवा देते हैं ताकि नान जाया ना हो ठीक है ना ये ऐसे ओ भाई भाई लगेगा लगेगा उसका हाथ कम से कम शामिल करना चल तू एक काम करना अंदर ले जाऊंगा चलो भाई सीधा कर दे ताकि नान सही लगे क्योंकि हम लोग नहीं चाह रहे रिस्क जाया हो ओ बट तेरा नान बन गया भाई हाँ उतार उतार ओ नान ना जला दी जल्दी कर ओ जियो बट जियो ओ जियो वाह भाई वाह अल्लाह की कसम है तू सारे नाना जड़ा स्वादा नान ही ला जबरदस्त है तेल भी लाओ गरम है अभी गरम है ठंडा होने ले कैसा बना है जबरदस्त है बकरहानी लग रही कसम से नहीं करा रहा नान से बना मजेदार बटा मजेदार नान ये मेरे भाई हैं अनान भाई इनको का मैंने ईद मिली थी लेकिन बस ईद ही रह गई थी ये मेरी बहन की है यार मुझे भी ईदी चाहिए ना ये क्या यार ईदी के टाइम पे नहीं याद रहती है भाई पूछ गए मैं क्या रिगाल गड्डी सु मैं भी उसी समझा सी मैं भी उसी समझा सी मुझे तो यार मैं भाई आधी आधी करेंगे हां बस ठीक है ठीक है अब वो भाई बन गया यार ये सामी मोटी है मेरी बात सुनो मेरी गल सुनो पहले पैकेट भी भारी है भाई मेरी गल सुनो अल्हम्दुलिल्लाह घर जाके अनबॉक्सिंग करना समझ आई इधर ना करना सबने पढ़ लेना
ठीक है नान भाई, इजाजत दें। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। आज सारे अरेंजमेंट्स बहुत 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 ज्यादा जबरदस्त। कहाँ से वैसे करवाए थे? जल्दी बताया था, ये है रॉयल दस्तरखान वाले। अच्छा, आप आपने हालांकि रात को बताया था, तो उन्होंने 5-6 घंटों में सुबह सारा अरेंज किया। बड़ा जबरदस्त अरेंजमेंट किया। ये उन्हीं का क्या बात है जी। तो जी ज़ुल्क़रनैन आर्मी अगर लाहौर में अपना या फिर लाहौर से बाहर भी करते हैं, ये लाहौर से बाहर भी करते हैं, लाहौर से बाहर मतलब किसी भी जगह अपना इवेंट वगैरह या छोटी मोटी गेट टुगेदर या बर्थडे पार्टी वगैरह अरेंज करवाना चाहते हैं प्लस डिकोर करवाना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट कर लें इस नंबर पर। A few minutes later. क्या यार तुम घर आते ही गन डालकर बैठ गई हो, क्या कर क्या रही हो इन सब चीजों का? किसमें सेट कर रही हो? जो भी इतनी ज्यादा चीजें बिखेरी हुई थी वो सेट कर रही हूं। अब इन सब चीजों को तरतीब से रखोगी? हाँ, तरतीब से रखो। तो अच्छी बात है यार, वैसे भी बहुत ज्यादा ना ईद के बाद से लेकर अब तक गंद छन फैला हुआ था, जरा गंद समेटा जाएगा। वो इधर जैसे ही सोई है ना, हाँ? मैंने सोचा कि उसके उठने से पहले पहले ये मैं चूड़ियों का सिर्फ ये बना लेती हूँ। चलो बस सही है। कड्डू जी क्या कर रहे हो? डांस चाय बना रहे मेरे लिए। मुझे कहता मुझे 50,000 रुपया दे मेरा। मैंने कहा मैं नहीं तुझे ऐसे दूंगा पैसे। कहता क्या करूं क्या मैं? मैं कहा जा जाकर मेरे लिए पहले चाय बना कर ला, फिर 50,000 दे दूं। 50 नहीं बल्कि 40 आ गया अब, क्योंकि 10,000 के इसने मुझे डिस्काउंट दे दिए। ओ खुदा ये बंदी है। अपने लिहाज से काम काज करो तो बेहतर रहेगा। क्या हेल्प करूं? ये बस चीजें नीचे रखवा दो। चलो मैं ऊपर चढ़ता हूँ और मैं नीचे उतार देता हूँ चीजें। तुम नीचे आ जाओ, तुम नीचे आओ, मैं कर लेता हूँ नीचे। बरार जब तक चाय बनाता है ना तब तक मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। लाओ दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। तमीज करो यार, हद नहीं होगी तुम्हारी वैसे। तुम्हें पता है मेरे से ऐसे काम नहीं होते। ये पकड़ना जरा, पकड़ना यार। चीजें सारी नीचे गिर गई हैं। तो मेरी घड़ी का डब्बा ना बस टूट गया हो, बाकी सारी चीजों की तो खैर है। ये भाई साइड पर आ तू। हुए 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 हुए, क्या बात है इब्रार साहब, क्या चाय बनाई है जनाब आपने, इतनी जबरदस्त चाय पिलाने के बाद तेरे 50 रुपए पक्के हैं बाबा। जेड़ा 50,000 है ना ओदे नाल 5,000 देना चाहिए था, तो जिंदगी चाहिंदी चाय नहीं पीती जेड़ी तन्नू नहीं पीए ब्रो। अम्मा मेरी भी इससे अच्छी चाय बनाती है, समझ आई? ज्यादा ओवर ना हो। अब्बा जान आपको पता है 1 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 1,000 बंदे ने कमेंट कर दिया है कि आप अपने वाले साहब को पैंट शर्ट पहनाए, तो आप रेडी हैं फिर कल पैंट शर्ट पहनने के लिए? क्योंकि कल आपकी और मेरी कमिटमेंट हुई थी कि अगर ज्यादातर लोगों ने कमेंट किया कि अब्बा जान को पैंट शर्ट ट्राई करवाई जाए तो फिर आप पैंट शर्ट पहनेंगे। पहली गल तो कमिटमेंट होनी थी, हुई थी, हुई थी कि नहीं निकाय साहब? कमेंट ना करना, लेकिन आर्मी ने कमेंट किए हैं जी, तो दरख्वास्त का मतलब यही होता है अब्बू आपकी वो कमिटमेंट डन हो चुकी। पता की ज़ुल्क़रनैन पैंटा सारी जिंदगी पाईया ने, हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा जा ना मसला इसका है पेट का, पेट अच्छा। लेकिन अब कोई मसला नहीं, जिनके पेट निकले होते हैं वो पैंट शर्ट पहननी छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब 1,000 बंदे ने देखे 1-2 घंटों के अंदर अंदर इतने ज्यादा कमेंट्स कर दिए हैं, तो फिर आपको भी थोड़ा बहुत उनके प्यार का लिहाज करना चाहिए मेरे ख्याल। करांगे लिहाज, पहला मनु वो हाल ना के क्या पहनाना है? मैं मालम रोड ते लेके जा। अच्छा, तू पैसे ला मेरे ते 30-40,000। ठीक है, फिर मैं देखांगा, फिर दसांगा। तो 30-40,000 की पैंट शर्ट थोड़ी ना आती है अबू, जितने की भी आएगी कल आपको साथ पकड़ कर मैं खरीदने के लिए ले चलूंगा। ठीक है, आप खरीदना और फिर सारा दिन उस पैंट शर्ट को पहनकर घूमना। डन जे वो मनु पसंद आ, पसंद ही पसंद आएगी, टेंशन ना ले, पसंद आएगी जनाब चोई साहब आपको, पसंद आएगी वो आएगी तो फिर वेल एंड गुड। नहीं नहीं पसंद आएगी, मैं कह तो रहा हूँ कि पसंद आएगी तो आप पहनना, पसंद आएगी, लेकिन मैं दिलवाऊंगी ऐसी कि जो चीज पसंद आने वाली हो। चलो जी डन हो गया, कल अब्बा जान को पैंट शर्ट हम लोग पहना रहे हैं और स्टाइल स्टूल इनका किसी सैलून से बनवा रहे हैं और इनको ग्लासेस ब्लैक वाली भी पहनवा रहे हैं। स्टाइल नहीं, स्टाइल इनका बहुत अच्छा, बस ग्लासेस हाथ में घड़ी वो वाली कुछ सी, और इस तरह का हैंडबैंड, हाँ, और कपड़े अच्छे से, हाय हाय पूरा स्टाइलिश लौंडा अब्बू। किसी शर्त ला लो, अब्बू ने नहीं पाना पहनना यार, और डन हो गई है भाई। मैंने शर्त ला ला यार, तू क्या शर्त लगा ले, तू लगा शर्त, आहो तो लगा। आज मैं इब्रार से जैसे शर्त हार रहा हूं ना, कल तू मेरे से हार जाना। बता कितनी कितनी? 50,000 थोड़ी है, थोड़ी है, ज्यादा का ज्यादा 1,00,000 रुपया, ज्यादा का 2,00,000 रुपया बस, हाँ ज्यादा कर ना लगाने वाले बहाने। 10-10 लाख 10-10 लाख
पांच तुम्हारा पांच मेरा कहना एक तेरा लाग जाएगी जेड़ा ज्यादा देगा नहीं ये तो बिकाऊ हो गया सिस्टम यार नहीं भाई ये सीन नहीं हो सकता। बात कंफर्म हो चुकी है, कल पैंट शर्ट पहनने वाली। ये ना हमारे जुबैर भाई हैं जिन्होंने अभी तक ईद नहीं दी थी हमें, ठीक है। तो अब ना अफ्तारी करवाई है, ना सहरी करवाई है, ना अपने घर में बुलाया, ना पानी पिलाया, ना रोटी पिलाई, ना कुछ किया। जी हाँ कह रहे हैं। और अभी जिस तरह अभी ईद देने आए हैं, ये टाइम लेके आए हैं, कह रहे तीन बारियां होगी, अगर मतलब एक आएगा आपका तो एक को 100 से मल्टीप्लाई कर, 100 से नहीं 200 से, 100 से कह रहे हैं, 100 का टोटल जमा एक दो तीन नहीं ना मेरी बात सुन, अगर आप अफ्तारी करवाते तो आपको 20-25-30 हजार तो लगना ही था ना। चलो यार शुरू से शुरू कर, मैं पागल हूं, मेरा 1600 बन गया, मेरा वही है, तीसरी बारी रह गई है ना, तीसरी रह गई। चलो थैंक यू चलो जी 1900 रुपया 2000 अराउंड। चलो मैं करता हूँ यार, ये लो यार मेरा जी 1913 बना, ये लो जी इंशाल्लाह 6 आएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6 आएगा, 6 एक बारी 900 रुपया, ठीक है जी। अब जी दूसरी बारी, ये 6 4 6 दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6 6 ओए यार नीचे गिर गया, दोबारा बारी होगी, दोबारा होगी ये लो ए 5 कितना 1600 हो गया। ओ चलो ए 1600 दूसरी बारी 1 चल तीसरी बारी, तीसरी कर चल 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 बेटा दो दियो चल 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 पूछ के वाला लगा सी 900 हो गया, नहीं मुझे पकड़ाओ, चल 1200 पागल हो जिहड़े 100-100 पिछे लग रहे हो, डाई सी गोल्ड जेब च पाओ, पहला नहीं फेंकना, दोबारा चलो चलो फेंको एदलबाजी ले गई है। चलो कमल तुम्हारी बारी, 1200 हम सबसे ज्यादा पैसे लेकर जा रही हो ना, एक बारी में कवन लो गए 1200
कमल मोजे मार गई है। नहीं नहीं भाई कितना हो गया? 4600। एक बारी में 4600। चलो जी एक बारी में 4600 रुपया और दूसरी 5000। नहीं नहीं 5400। आखिरी बारी फिर छे दो छे आएगा दो 5800 लाओ जी निकालो आप और यार दोबारा बारी दो नकोर नोट गिने जा रहे हैं भाई आए आए सेकंड मेरा अब मेरा 1800 ये दल का 2200 है डालना ऐसे नहीं करना नहीं नहीं 1200 सलमान का भी उसके पास चले गया ये आ गया जी मेरा 1800 थैंक यू जुबैर भाई वैसे ना जुबैर भाई ने लेकिन स्कीम अच्छी लेकर आए हैं शेख साहब हमारे पता कितना की ने डबल प्रेशर बड़ा पाया यार प्रेशर ही जा गया प्रेशर दियो ना इधी दियो पांच बंदे ने 20-25 हज़ार रुपया पै जांदा यार आज ईदी लेने का बहुत ज्यादा मजा आया बिकॉज जुबैर भाई की स्कीम बहुत जबरदस्त थी। खैर अब आप लोग भी अपने भाई को दें आज के ब्लॉग से इजाजत कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़।